ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत खबर बोकारो से। बोकारो के सिटी सेंटर स्थित हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के मारुति शोरूम में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की है। गोलीबारी की घटना में कोई हालांकि हताहत नहीं हुआ है। हालांकि फायरिंग से वर्कशॉप के शीशे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, लेकिन इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई कि आखिर वो कौन थे और किस वजह से यहां पर पहुंचे थे। अब शोरूम के मालिक से जानकारी ली जा रही है कि कहीं किस तरह की कोई धमकी या रंगदारी के लिए कोई कॉल तो नहीं आई थी इनके पास। दो अपराध कर्मी बाइक से आए और चलते ही गाड़ी पर रोड पर से ही दो चक्र गोली चलाकर भाग गए, जिसमें मारुति शोरूम के शीशा टूट गया। वो लोग का मतलब मारना उद्देश्य नहीं था, लेकिन क्या उद्देश्य था गोली चलाने के पीछे अभी पता नहीं चला है। तो कोई नहीं लग रहा है, लेकिन कहा भी नहीं जा सकता है। कुछ हो सकता है अंदरूनी, कुछ हो सकता है जो अभी हम लोग का दिमाग में नहीं आ रहा है, बाकी इसको देखते हैं। हाल के दिनों में कोई झगड़ा झंझट अपना रहा? ऐसा कोई झगड़ा झंझट कुछ नहीं हुआ है। वहीं पर 3:10 पर दो अपराधकर्मी बाइक से आए और चलते। और हमारे सहयोगी सुरेंद्र इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी अभी तक पुलिस जुटा पाई है? क्योंकि जिस तरीके से अपराधी आते हैं और शीशे को निशाना बनाते हैं, ऐसा लगता है कोई उनके निशाने पर है नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये वर्चस्व से अपना खौफ पैदा करने की कोशिश ही है, वर्चस्व जमाने की कोशिश ही लग रही है। बिल्कुल पंकज, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है कि एक बाइक पर दो अपराधकर्मी आते हैं और जो पीछे बैठा हुआ रहता है वो दो पिस्टल से दो फायर करता है और शीशे पर जाकर लगती है। जिस तरह से जो मैनेजर है उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी तरह से कोई विवाद नहीं हुआ है, हाल के दिनों में न कहीं से किसी तरह से फोन आया है, लेकिन दो गोली चलाई जाती है और दो खोखा भी पुलिस मौके से बरामद करती है। पुलिस को भी यह लग रहा है कि यह गोली किस लिए चलाई गई है, वो सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और वहां से घटनास्थल से दो खोखे की जो घोप बरामद किया पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और सीसीटीवी फुटेज विभिन्न जगहों के खंगाले जा रहे हैं कि आखिर कौन लोग थे, आखिर क्या था और उनका मकसद क्या था। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो फिलहाल पुलिस को तलाश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।